क्या करता है, बॉर्डर इमेज स्लाइस सी एस एस प्रॉपर्टी डिवाइड द इमेज स्पेसिफाइड बाई सोर्स इन टू रीजन्स, कि जो भी इमेज हमने बताई होती है कि यार फला इमेज उठा के बॉर्डर पे लगा दो, उसमें ये रीजन्स बना देता है. दीज रीजन्स फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ एन एलिमेंट बॉर्डर इमेज. अच्छा, ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे करके बताई है. अच्छा, फिर ये मज़ीद इस बारे में लिख रहे हैं कि द स्लाइसिंग प्रोसेस क्रिएट 9 रीजन्स इन टोटल, 4 कॉर्नर्स, 4 एजेस एंड अ मिडल रीजन. ठीक है, ये 9 रीजन बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अच्छा, बीच वाला जो है वो एक एक्स्ट्रा है जो शायद नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हम देखते हैं वो क्या है. 4 स्लाइस लाइंस, यानी 4 स्लाइस की ऐसे लाइन लगी हुई है. सेट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव साइड्स. ठीक है, जो भी इनकी रिस्पेक्टिव साइड्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ये वाली जो लाइन है, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है तो, जो ये वाली लाइन है, ठीक है, वो इस साइड से है, जाहिर है इस साइड से एक सर्टेन डिस्टेंस है. फिर इसकी अगली जो लाइन है, इसके एक सर्टेन डिस्टेंस से है ये वाली. ठीक है, तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि द फोर स्लाइस लाइंस गिवन, क्या इन्होंने मुश्किल थी, टंग ट्विस्टर इंग्लिश लिखी है यहाँ पे. सेट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव साइड्स कंट्रोल द साइज ऑफ द रीजन. कि हम क्या बताते हैं उसको, हम ये बताते हैं कि भाई जो एक लकीर है ना, वो लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे लगानी है, फिर अगली वाले कितने डिस्टेंस पे लगानी है. और इस तरह हम दो लकीर लगाते हैं, यानी कि 4 वैल्यूज़ देते हैं टोटल. जो जो टॉप से लाइन ऐसे चल रही है ये वाली, इसका डिस्टेंस जाहिर हम टॉप से बता रहे हैं या बॉटम से बता रहे हैं, अभी ये पता नहीं चला है कि टॉप से, या ये जो वर्टिकल लाइन है इसका जो डिस्टेंस है हम स्टार्ट से बता रहे हैं या उस तरफ से बता रहे हैं. ठीक है, ये अभी नहीं डिस्क्लोज़ किया इन्होंने, अभी ये आगे लिखा होगा. द अबव डायग्राम इलस्ट्रेट्स द लोकेशन ऑफ ईच रीजन जोन 1 से लेके 4 तक. ठीक है, 1 एंड 4. अच्छा, 1 एंड 4 आर द कॉर्नर रीजन्स. एक 1 हो गया, एक 4 हो गया, ये दो कॉर्नरों पे चले जाएंगे. ईच वन इज़ यूज्ड अ सिंगल टाइम टू फॉर्म द कॉर्नर ऑफ द फाइनल बॉर्डर इमेज. अब इन दोनों से ना, 1 से और 4 से और 2 और 3 से भी कॉर्नर्स तैयार हो जाएंगे. जोन 5 एंड 8 आर एज रीजन. ठीक है, ये 5 हो गया, 8 हो गया, 7 और 6 भी, ये चारों क्या हैं, वो एज रीजन्स हैं. दीज आर रिपीटेड, स्केल्ड और अदरवाइज मॉडिफाइड, यानी किसी ना किसी सेंस में इसको मॉडिफाई किया जाएगा, या तो रिपीट हो रहा होगा, या तो स्ट्रेच होगा, या तो स्केल होगा. इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लिखी हुई थी वहाँ पे. अच्छा, जोन 9 इन द मिडल रीजन इज़ डिस्कार्डेड. ठीक है, जोन 9 जो है वो क्या है, उसको कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं किया जाता बाई डिफ़ॉल्ट, बट इट इज़ यूज्ड लाइक अ बैकग्राउंड इमेज इफ़ द कीवर्ड फिल इज़ सेट. ठीक है, अगर फिल हमने लगाया हुआ है तो फिर इस वाले पार्ट को बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ किया जाता है. अब ये आपको लगा के देखना पड़ेगा, जब भी आपको समझ आएगा कि क्या चक्कर है. अच्छा, तो ये हमें समझ आ गया कि क्या है. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 11 इसने क्या लिखा है. सही है, इसने ये 4 दफ़ा जो 11 लिखा है इसने, अब मोस्ट प्रॉब्ली 4 लाइन्स हैं, क्योंकि 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल. अब कौन सी लाइन कौन सी वाली है वो भी यहाँ नीचे सिंटैक्स में मज़ीद इसने बताया होगा. ठीक है, वैल्यूज. अच्छा, वैल्यू में इसकी जो आप देंगे वो एक नंबर देंगे. रिप्रेजेंट एन एज ऑफसेट इन पिक्सल फ्रॉम रास्टर इमेज एंड कोऑर्डिनेट्स फॉर वेक्टर इमेज. अच्छा, रास्टर इमेज वो होती है जो पिक्सल से बनी हुई होती है, हमने शुरू में डिस्कस किया था जब हम गालबन इमेज का जब टॉपिक हम पढ़ रहे थे उस वक्त. और एक होती है वेक्टर इमेज जो पिक्सल से नहीं बनी हुई होती बल्कि वो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं. जो इलस्ट्रेटर पे जो बनती है इमेज आमतौर पे वो वेक्टर इमेज होती है, या जो SVG फॉर्मेट होता है वो वेक्टर होता है. वेक्टर इमेज की पहचान ये है कि उसको जब हम जूम इन करते हैं तो उसको जितना मर्ज़ी जूम इन करें वो पिक्सलेट नहीं होता है, क्योंकि वो एक पिक्सल उसमें होते ही नहीं है, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं उसमें. अच्छा, तो वो कह रहा है कि उसमें कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे, कि XY की वैल्यू देनी पड़ेगी उसके अंदर. और अगर रास्टर इमेज है तो उसमें पिक्सल में बताना पड़ेगा. फॉर वेक्टर इमेज
द नंबर इज रिलेटिव टू एलिमेंट साइज नॉट द साइज ऑफ सोर्स इमेज. ठीक है, कह रहा है वेक्टर इमेज अगर हमने लगाया है तो मिसाल के तौर पे जो साइज़ ऑफ इमेज है वो तो होता ही नहीं है उसके अंदर. ठीक है, वेक्टर इमेज में तो साइज़ नहीं होता कोई इमेज का, उसमें जस्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं. तो वो कह रहे हैं कि जितने साइज़ पे डिस्प्ले किया हुआ होगा ना उसको, तो उसके हिसाब से पिक्सल बताओगे आप. मिसाल के तौर पे अगर इमेज को 100 पिक्सल पर डिस्प्ले किया हुआ है तो उसमें आप बताओगे 25 पिक्सल, तो वो समझेगा, एक रेशो समझ आएगा उसको कि अच्छा कहाँ पर जाना है, क्योंकि उसका एक्चुअल में तो कोई वो होता नहीं है. हाँ, सो परसेंटेजेस आर जनरली प्रिफरेबल इन दीज केसेस. तो कह रहे हैं कि अगर वेक्टर इमेज हो तो बेहतर ये है कि हम परसेंटेज का इस्तेमाल करें पिक्सल के बजाय, क्योंकि परसेंटेज फिक्स रहेगा चाहे इमेज बड़ा होती रहे या छोटी होती रहे. अगर डायनेमिकली इमेज का साइज़ चेंज होता है कभी भी, तो परसेंटेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा. ऑन अदर एंड अगर पिक्सल में लिखा हुआ है तो कभी भी डायनेमिकली जो इमेज के डिस्प्ले होने का साइज़ अगर चेंज होता है तो वो क्या होगा, वो फिर छिड़ जाएगा, क्योंकि पिक्सल फिक्स है और इमेज मिसाल के तौर पे 100 पिक्सल पे रेंडर हुई थी वो एक इमेज, और मैंने उसमें कहा 25 करके ले लो शुरू के, तो बाद में फिर क्या होता है कि वो 100 पिक्सल से 50 पिक्सल पे आ जाती है इमेज किसी भी वजह से, कोई भी डायनेमिक वैल्यू चेंज होती है. तो अब वो 50 पे जो 25 होगा ना, वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट बॉर्डर डिस्प्ले करा रहा होगा. ठीक है, अच्छा ये इमेज है वो जो ये बता रहे थे कि ये वाली इमेज इन्होंने यूज़ की है. ये इन्होंने ना एक काइंड ऑफ प्लेग्राउंड बनाकर दिया है. ये मैंने इमेज का साइज़ बिल्कुल बड़ा कर दिया विर्थ जो है बॉर्डर की, और 10 पिक्सल पे ये सेट हुआ हुआ है इस वक्त. टोटल ये जो इमेज है वो 45 पिक्सल पे, 45 पिक्सल की इमेज है. तो उसमें से अगर मैं 10 पिक्सल को कट करता हूँ तो कुछ इस तरह की चीज़ बन जाती है. वो तो कहाँ गया यार, अभी तो दिखा रहे थे, ये एक्चुअल इमेज कहाँ चली गई, ये रही. सही है, द डायमंड आर 30 पिक्सल्स अक्रॉस, देयरफॉर सेटिंग 30 पिक्सल एज द वैल्यू फॉर बोथ बॉर्डर विड्थ एंड बॉर्डर इमेज स्लाइस विल गेट यू कंप्लीट एंड फेयरली क्रिस्प डायमंड इन योर बॉर्डर. कह रहे हैं कि 30 पिक्सल का है ये एक जो डायमंड है, इसका मतलब ये टोटल इमेज कितने पिक्सल की है, 3 3 6 3 9 90 पिक्सल बाई 90 पिक्सल की इमेज है ये. ठीक है, अच्छा इन्होंने जो स्लाइस दिया है ना, वो चार अलग अलग वैल्यूज़ नहीं दी, इन्होंने सिंगल वैल्यू दी है. ये वो मार्जिन वाला चक्कर है, जैसे मार्जिन में हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो चारों साइड की सेम ले लेता है, बट हम चारों साइड की अलग अलग भी दे सकते हैं और वो क्लॉकवाइज होती है. इन मैं देख रहा था इसमें कहीं पर इन्होंने अलग अलग वाली एग्जाम्पल बताई है, बट इन्होंने यहाँ पर अलग अलग वाली एग्जाम्पल नहीं जिक्र किया. ठीक है, बट ये चीज़ CSS के अंदर पहले से ही एक अंडरस्टैंडिंग शुरू से बिल्ड होती है कि जहाँ पे भी चार साइडें होती हैं या चार कॉर्नर्स होते हैं तो वहाँ पे आप चारों साइड की अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ऊपर इन्होंने जो एक डायग्राम बनाया था उसमें भी अलग अलग वैल्यू थी, चारों साइड की सेम वैल्यू नहीं थी. ठीक है जी, तो ये इन्होंने कुछ कोड यहाँ पे लिख कर बताया हुआ और उस कोड का ये आउटपुट है. अगर मैं 30 पिक्सल पे इसको सेट करता हूँ तो मुझे पूरा कंप्लीट डायमंड मिलेगा, लेकिन 30 से ज़्यादा करूँगा तो क्या होगा, वो स्लाइस में वो जो एक कॉर्नर है उससे आगे भी वो पकड़ना शुरू कर देगा चीज़ें, डबल डायमंड होना शुरू हो जाएगा. सही है, मैंने 45 पिक्सल किया तो 45 पिक्सल में क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा उसने साइज़ ले लिया कि बीच का रीजन ही गायब हो गया. यानी आप नोट कर रहे हो, इस तरफ आधा डायमंड येलो वाला इधर आ गया, आधा वाला इधर आ गया, तो बीच में कुछ बचा ही नहीं, तो बीच में वो एम्प्टी हो गया. और अगर 45 से एक पिक्सल इसको मैं कम करता हूँ तो 44 करता हूँ, तो वो बीच में जो एक पिक्सल का रीजन बचा ना, वो पूरे में रिपीट देखो कैसे हो रहा है. अबे बताओ ना, ये लो पूरे 45 में देखो ऐसे हो रहा है. और पूरे 45 में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब मैंने 45 45 के जब लकीर डाली है उसके ऊपर,
तो उसमें चार रीजन बने थे, क्योंकि 90 पिक्सल की इमेज है ना, 90 पिक्सल बाई 90 पिक्सल की इमेज है ना, तो 45 पे अगर मैं एक लकीर डालूंगा, ठीक है, और इस साइड से भी मैं 45 पे लकीर डालूंगा, तो वो लकीर ऐसी जगह पे आ रही कि बीच में कुछ भी नहीं बच रहा, तो वो इमेज में बजाय 9 रीजन बनने के 4 रीजन बन रहे हैं, तो चार रीजन ऐसे आ जा रहे हैं, बाकी की जगह खाली है। अच्छा, अगर मैं इसको 1 पिक्सल कम करता हूँ, 44 करता हूँ अगर, तो क्या हो रहा है, 90 पिक्सल बाई 90 पिक्सल की इमेज है, लेफ्ट से जो लेफ्ट से ऑफसेट है वो 45 पिक्सल है, और राइट से जो ऑफसेट है वो भी 44 पिक्सल है, तो बीच में 1 या 2 पिक्सल कुछ बचेगा इस तरह। 44 44 कितना हुआ, 988 हुआ, तो बीच में 2 पिक्सल बच गए, तो वो जो 2 पिक्सल बचे हैं बीच में, वो जाहिर है एक लंबा 2 पिक्सल की एक लकीर बची है, तो वो रिपीट हो रही है एजेस के ऊपर। ठीक है, रिपीट कर दूँ उसको मैं या स्ट्रेच कर दूँ, कोई फ़र्क नहीं है, वो एक जैसे ही दिखेगा। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं इसको कम करता जाऊँगा तो क्या होगा, जो दरमियान वाला रीजन है, यानी एक तरफ से 45 एक तरफ से 45 में, तो बीच में कुछ नहीं बच रहा था, लेकिन जब मैं साइडों को कम करता जाऊंगा तो बीच में मुझे अल्टीमेटली वो जो 1 2 पिक्सल की लकीर है वो बड़ी होती जाएगी, और वो जैसे जैसे बड़ी होगी मुझे बीच में भी डायमंड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको मैं जैसे जैसे कम करूँगा तो देखो वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो जगह बड़ी हो रही है 2 पिक्सल वाली, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सही है। जैसे मैं इसको 30 पे लेकर आऊँगा तो वो बिल्कुल अपनी परफेक्ट जगह पर आ जाएगा, और जो बीच वाला हिस्सा था जो 2 पिक्सल की एक लकीर बच गई थी, उसकी जगह पूरा 30 पिक्सल का मुझे पार्ट मिल रहा है, जो कि एक कम्प्लीट डायमंड है। ठीक है, इसको करके देखोगे तो ज़्यादा सही समझ आएगा। अगर चारों साइड की वैल्यू अलग अलग दें तो क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने ऐसे बनाकर बताया हुआ है, देखो इन्होंने 1 को थोड़ा सा हाइट इसकी कम रखी है, 4 की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, ठीक है, और वैल्यूज़ जो मोस्ट प्रॉब्ली ये दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, जो लेफ़्ट से जो लकीर है उसकी लेफ़्ट साइड से ऑफसेट बता रहे हैं, और राइट से जो है उसका राइट साइड से ऑफसेट बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ बहुत कम होती हैं, तो जब इस तरह की प्रॉपर्टी कभी ऐसी आती है तो डॉक्यूमेंट से आपको देखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। ज़्यादातर जगहों पे जैसे डिव है, स्पैन है, पैराग्राफ्स हैं, वो तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, और उन पर लगने वाली स्टाइलिंग भी बार बार लगानी पड़ती है, तो ये थोड़ा रेयरली यूज़ होने वाले एलिमेंट्स हैं, बट जहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पर फिर इसके बगैर काम नहीं होता, क्योंकि अगर आपको कुछ इस तरह का करना है जैसा इसने बुक में किया हुआ है, जैसा इसने यहाँ पे ये करके बताया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ऐसे मुझे बॉर्डर इमेज ना यूज़ करूँ, मैं किसी और तरीके से करने की कोशिश करूँ, तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं डिव लगाऊँगा छोटे छोटे, अब डिव को इस तरह सजाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर मिसाल के तौर पे अगर जो जो बीच वाला एक सेक्शन है जिसके सराउंडिंग में मैं ये लगा रहा हूँ, अगर वो उस सेक्शन का जो कंटेंट है अगर वो डायनेमिकली ग्रो होता है कभी भी, तो वो मेरी जो डिव जो मैंने बिछाए हुए हैं चारों साइड वो तो बेकार हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो अल्टीमेटली जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी ना, वहाँ पे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, मे भी कोई ऑप्शन हो सकता है, बट दिस इज़ एन ईजी ऑप्शन। ठीक है, इमेजिन अभी आप लोगों ने तो वो बॉक्सेस का भी चैप्टर शुरू हुआ है, अभी आगे फ्लेक्स बॉक्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया होगा कि हम डिव से ये काम कर सकते हैं। डिव को हम छोटे छोटे साइज़ में करके और उसका बैकग्राउंड रिपीट करवा सकते हैं, या डिव को इटसेल्फ रिपीट करवा सकते हैं डायनेमिकली। क्या देख रहे हो तुम, क्या गुम हो गया तुम्हारा, गेट बंद कर दो यार, शोर आ रहा है बाहर से। नहीं नहीं सही रहना, गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, उसको भी पी रहे हैं। मैनेजमेंट से बहुत कम दूर से सर आते हैं, कक्षाएं नहीं आई,
अरे भाई तुम पढ़ाई कर लो, मैं तो कह रहा हूँ चाय को छोड़ दो। नहीं है यार, मेहमान है, मेहमान कहीं बोलते कुछ खा रहा है। अच्छा बुक में आपने एक चीज़ और नोट की होगी, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना, वहाँ पे उसको तीन अलग अलग प्रॉपर्टी के नाम से उसको अप्लाई किया। सही है। अच्छा ये इस वजह से किया जाता है कि जो हमारे तीन अदद ब्राउज़र है ना, उन तीनों के अपने अपने एक नखरे हैं। सही है। ये जो मौज डैश करके है ना, ये मोज़िला फायरफॉक्स के लिए, ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स में ये सीधे तरीके से अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मतलब जिस वक्त ये बुक लिखी गई थी उस वक्त का ये केस था। अच्छा इसी तरह वेब किट जो है ये सफारी को कहते हैं ये, ठीक है। तो सफारी में ये करके लिखेंगे तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। ये क्या हुआ? अच्छा वो हुआ है, जूम इन हुआ है। अच्छा बॉर्डर इमेज जो है वो HTML5 की प्रॉपर्टी है, सॉरी HTML5 कह रहा हूँ, CSS3 की प्रॉपर्टी है। तो जो ब्राउज़र CSS3 को फुली सपोर्ट करते होंगे उसमें तो सीधा ये बॉर्डर इमेज करके चल जाएगा। अच्छा ये वाला लेकिन जो तरीका है ना, ये MDN में नहीं बताया हुआ। बुक तो 2009 की लिखी हुई है, लेकिन MDN में ना इस तरीके का इन्होंने कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। और नीचे ब्राउज़र की सपोर्ट में मैं आके देख रहा हूँ तो सब में ये सपोर्टेड बता रहा है, ठीक है। अच्छा नहीं, इन्होंने जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, सिर्फ फायरफॉक्स में इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेड विद द वेंडर प्रीफिक्स डैश मॉज, ठीक है। ये 3.5 ब्राउज़र का जो वर्जन 3.5 है उसके अंदर ये मॉज के साथ है। अच्छा फिर उसके बाद 15 में जो है सीधा सीधा ये सही है। स्मॉल इनकरेक्टली स्ट्रेच दिस बिकॉज दिस, नहीं ये मॉज के साथ ही लगेगा। वेल तो ये लगा कर देखना और फायरफॉक्स में इसको चला के देखना कि मॉज लगाना पड़ रहा है अभी भी या नहीं पड़ रहा। अच्छा इसका क्यों है ऐसा ये भी समझ लो। गूगल क्रोम, अच्छा सफारी का उन्होंने लिखा हुआ था ना एक और, हाँ सफारी में भी वेब किट करके चलेगा ये। अच्छा फुल सपोर्ट देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया उन्होंने, लेकिन मोज़िला में ऐसा जिक्र नहीं था कि फुल सपोर्ट आ गई है। मोज़िला में अभी भी शायद मौज करके ही है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी फुल सपोर्ट का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि मोज़िला में अभी भी मौज लगाना पड़ेगा। अच्छा ये चक्कर क्या था, ये अभी जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसके शुरू में वो स्टोरी में आपको पूरी सुनाऊंगा कि ये चक्कर क्या है। जब शुरू शुरू में ब्राउज़र आए थे ना तो हर ब्राउज़र का अपना कोड होता था, यानी HTML अभी तो एक ही HTML है ना, हर ब्राउज़र में सही चल जाती है वो। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये होता था कि हर ब्राउज़र में अपना HTML होता था उनका, और CSS भी अपनी बनाई हुई थी लोगों ने। तो एक जैसे अभी बॉर्डर इमेज है ना, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ या एक प्रॉपर्टी CSS की ऐसी थी, वो लगाने से ना वो पूरी लाइटें जलना शुरू हो जाती थी टेक्स्ट में, समझ रहे हो। अब एक ने वो दिया हुआ था और दूसरे ने वो नहीं दिया हुआ था किसी दूसरे ब्राउज़र ने, तो यहाँ तक मामला थे कि वो मार्केट करते थे ब्राउज़र को कि यार हमारे ब्राउज़र में ना टेक्स्ट चमक चमक के भी आता है। अभी भी करते हैं मतलब, लेकिन इस तरह की फ़ीचर को नहीं करते। उस ज़माने में वो लेजिट चीज़ थी कि भाई हमारे ब्राउज़र में आप टेक्स्ट लिखोगे ना तो उस पर ये प्रॉपर्टी लगाते ही टेक्स्ट चमकना शुरू हो जाएगा, जगमग तारा बन जाएगा पूरा। मतलब इस तरह के मामला किए हुए थे उन्होंने और अपनी अपनी CSS लगाई हुई थी। फिर क्या होता था, अगले साल उसी चीज़ को दूसरे ब्राउज़र वाले उस अब इम्प्लीमेंट करते थे अपने पास, लेकिन उनका जगमग तारा डिफरेंट होता था, सही है, और उनके प्रॉपर्टी का नाम भी डिफरेंट होता था। फिर वो अगले साल मार्केट करते थे कि यार हमने भी ये जो है ना जगमग तारा लगाया, हमारा जगमग उनसे बेहतर है। तो इस तरह के मामला थे। तो हर ब्राउज़र का CSS अलग अलग थी और HTML भी अलग अलग थी, बहुत सारे ऐसे टैग्स थे। और इवन अभी भी कुछ ऐसे जावास्क्रिप्ट का भी कुछ ऐसा कोड है जो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 पे चलता है, क्योंकि उन्होंने ही ऐड किया, बाकी किसी ने वो ऐड नहीं किया। तो वो यूज़ नहीं करते लोग आमतौर पे जो HTML5 का स्टैंडर्ड है वो हम यूज़ करते हैं। अगर कोई नहीं कर रहा उसको सपोर्ट तो हम कहते हैं कि चलो खैर हो गई। तो अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट देना उसको, यानी जैसे अभी सफारी का जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला ब्राउज़र है उसके अंदर भी उन्होंने कोई इस तरह का किया हुआ है, तो फिर हमें उसको करना पड़ता है। अदरवाइज़ कोई पुराने वर्जन की खैर है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 अब वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, अब हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गूगल क्रोम तो बहुत
गूगल क्रोम तो बहुत बाद में आया है और वो चलता नहीं था, वो आपका इंटरनेट उस वक्त इतना स्लो हो रहा था इसलिए नहीं चलता था। ये तो गूगल क्रोम तो बहुत सारी इस तरह की स्ट्रेटजीज करता था ना कि आपका सर्फिंग फास्ट हो जाती थी, जिससे वो नहीं करता था। ठीक है, उसको सीधा सीधा इंटरनेट जो मिलता था वो सीधा सीधा उसको चलाता था। हाँ, अभी डिसकंटिन्यू किया उन्होंने, अभी उसकी जगह दूसरा वो लेकर आया ना, एज एज माइक्रोसॉफ्ट एज अभी जो है ना लेटेस्ट उनका वो है। ठीक है, बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी पता नहीं 10, 12 भी वो भी साथ साथ चला रहे हैं, जो एंटरप्राइज में वही है अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो, पता नहीं 10, 12, 13 को इसका नया वर्जन है वो है। ठीक है, एज अभी तक शायद वो एंटरप्राइज में नहीं किया उन्होंने उसको। तो वेल, एज जो है वो इंटरनली गूगल क्रोम है, सही है, क्रोमियम प्रोजेक्ट के ऊपर वो बना हुआ है, तो जो क्रोम में होगा वही उसमें भी होगा। इंटरनेट नहीं, अभी तो एज सही हो गया, अभी तुमने रिसेंटली अगर उसको यूज़ करोगे ना तुम, क्योंकि पहले उनका चाकरा था इंजन अपना, उन्होंने रिसेंटली उसको रिप्लेस किया है, पिछले 2 सालों में रिप्लेस हुआ है वो शायद, तो वो उसके बाद तो बिल्कुल गूगल क्रोम है वो, जब मतलब चीज़ें चलाओगे तो बिल्कुल गूगल क्रोम है अब, और काफ़ी फास्ट है वो, गूगल क्रोम है क्योंकि अंदर उसके, और UI सिर्फ अपनी बिछी हुई है, दैट्स इट। लेकिन डेवलपमेंट में स्टिल आपने गूगल क्रोम इस्तेमाल करना है, वो इसलिए कि डेवलपर टूल्स वगैरह ना गूगल क्रोम के, वो जो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाऊंगा वही आपको घर पे दिखेगा। उन्होंने क्या किया हुआ है, वो UI के जो आइकन वाइकन है ना वो उसमें भी चेंज मारे हुए हैं डेवलपर ऑप्शन में, तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है समटाइम ना, चीज़ें उसमें मिलती नहीं है डेवलपर ऑप्शन में। अभी गूगल क्रोम का डेवलपर ऑप्शन तो हिफ्ज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है मुझे पता है, हाथ सेट है उसके ऊपर, यूज़ टू है, उसमें ढूंढना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें उसमें ना, जैसे इनका एक लाइट हाउस है वो है उसमें भी ज़ाहिर है वो, लेकिन उन्होंने छुपाया हुआ है, तो ये वाला चक्कर है। अच्छा भाई, तो ये डिफरेंट ब्राउज़र में ना इसको लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो CSS3 की जो नई वाली प्रॉपर्टीज़ है उनके अंदर। अच्छा, बॉक्स शेडो जो है उसमें भी कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3 वैल्यू है, ये तो दो अलग अलग ब्राउज़र के लिए, हमें इस वाले को देखना है जो CSS3 की प्रॉपर्टी है, ये हमें पता होनी चाहिए, बाकी जब हम चला कर देखेंगे नहीं चलेगा तो ये भी लगा देंगे ब्राउज़र पर। अच्छा, तो 2 इसने पिक्सल में वैल्यूज़ दिए और तीसरा इसने कलर दिया। ठीक है, यहाँ इन्होंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि हाँ, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, और हॉरिजॉन्टल ऑफसेट क्या है कि मतलब जो शेडो, ये बॉक्स शेडो है कि बॉक्स का आप शेडो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट का मतलब ये है कि जो शेडो पीछे ड्रॉ होगा वो हॉरिजॉन्टली थोड़ा एक्चुअल बॉक्स से थोड़ा ऊपर ड्रॉ होगा या थोड़ा नीचे ड्रॉ होगा। ठीक है, इमेजिन करें कि एक ये ग्लास पड़ा हुआ है, अब अगर मैं इस पर लाइट सीधी मारता हूँ यूँ, तो पीछे इसका जो शेडो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके पीछे डिस्प्ले होगा, लेकिन अगर मैं अपनी लाइट को थोड़ा ऊपर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो शेडो नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे अगर मैं मारूंगा तो शेडो नीचे बनेगा, और अगर मैं लाइट को नीचे करता हूँ, ग्लास की जो हाइट है उससे नीचे करता हूँ अगर, तो ऑटोमेटिकली शेडो थोड़ा ऊपर बनने लग जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाले ऑफसेट की बात कर रहा है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो शेडो बन रहा है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कितना ऊपर या कितना नीचे हो, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे होता है ना, यूँ होता है राइट या लेफ्ट, ये वर्टिकल पे कि कितना ऊपर कितना नीचे हो, और हॉरिजॉन्टल पे कि कितना राइट या कितना लेफ्ट हो। जाहिर है जो ऊपर नीचे वाले पे हो रहा है वही साइड्स पे भी होगा, अगर मैं अपनी लाइट को थोड़ा सा राइट साइड पे मूव करूँ तो ग्लास का जो शेडो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा, और अगर मैं अपनी लाइट को लेफ्ट पे मूव करूँगा तो शेडो राइट पे बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑफसेट बताया हुआ है। मिसाल के तौर पे माइनस का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल में इसने -5 बताया है, इसका मतलब है कि अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना तो उसका शेडो थोड़ा सा इस तरफ बनेगा, 5 पिक्सल लेफ्ट पे बनेगा। अच्छा, इसी तरह -5 इसने बताया हुआ है वर्टिकल ऑफसेट। वर्टिकल ऑफसेट का मतलब, -5 का मतलब है कि वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से थोड़ा ऊपर बनेगा। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव का मतलब अगर ऊपर है तो नेगेटिव का मतलब नीचे होगा ऑब्वियसली। ठीक है, वैसे नेगेटिव का मतलब ऊपर होता है, पॉजिटिव का मतलब नीचे होता है। अच्छा, फिर एक वैल्यू यहाँ पर और है कि ब्लर डिस्टेंस,
ब्लर डिस्टेंस भी पिक्सल में बताएंगे हम. शुरू वाले में इसने तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, यानी हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट और डायरेक्ट कलर. लेकिन नीचे इसने जो है वो चार वैल्यूज़ दी हुई हैं. अगर आप नीचे वाले यहाँ पर देखेंगे तो चार वैल्यूज़ हैं. तो थर्ड वैल्यू जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, जो ब्लर डिस्टेंस है. ब्लर डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, किसी को आइडिया हो रहा है नाम सुन के? ब्लर डिस्टेंस, ठीक है. अच्छा, ब्लर समझा देता हूँ क्या होता है. मिसाल के तौर पे अगर मैं इस ग्लास पे लाइट मारता हूँ तो इसके पीछे जो शेडो बनेगा वो कितना शार्प होगा शेडो, वो इमेजिन करो. जैसे मैं तेज़ धूप में खड़ा हूँ तो मेरा जो शेडो बनता है ज़मीन पे वो बहुत शार्प होता है, एजेस उसके बहुत शार्प होते हैं, ठीक है. लेकिन ये जो लाइट लगी हुई है, अगर मैं अपना हाथ यहाँ रखता हूँ तो ये शेडो इतना शार्प नहीं बनता. अगर वहाँ करीब जाके भी रखोगे तो शेडो इतना शार्प नहीं बनता, ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन लाइट के लाइट, अगर लाइट का सिंगल सोर्स ऑफ लाइट होगा और तेज़ होगा वो लाइट, तो जाहिर है जितनी तेज़ लाइट होगी उतना ही तेज़, उतना ही शार्प शेडो बनेगा मेरा. अच्छा, अगर मल्टीपल सोर्स ऑफ लाइट होगा या लाइट को डिफ्यूज़ किया हुआ होगा, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे ये सारी डिफ्यूज़ हुई हुई है, ठीक है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है जो जो लाइट को फैला देती है, ठीक है, डिफ्यूज़, ताकि वो अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए चारों तरफ. अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिधर मुँह है लाइट का उधर ही लाइट पड़ रही होगी, उधर दीवार पर, इधर कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है. तो डिफ्यूज़ हुई हुई जो लाइट है उसका शेडो थोड़ा सा ब्लर होता है आमतौर पर, इतना ज़्यादा शार्प नहीं होता, ठीक है. इसी तरह मल्टीपल सोर्स अगर होगी लाइट, असल में डिफ्यूज़ से भी क्या होता है, लाइट क्योंकि स्प्रेड होती है तो मल्टीपल सोर्स की काइंड ऑफ, या कोई ऐसी लाइट एलईडी लाइट आपके घर पे जो होती है, एमरजेंसी चार्जर वगैरह, एमरजेंसी लाइट्स होती हैं जो, उसमें बहुत सारी एलईडीज लगी हुई होती हैं. तो जब आप उस तरह की लाइट को किसी ऑब्जेक्ट पर मारते हैं तो वो जितना लाइट का सोर्स होता है उतने शेडो बने हुए आते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, आपको वो शेडो थोड़ा सा ब्लर दिखता है, बहुत शार्प आपको नहीं दिखता बल्कि आपको ब्लर दिखता है. देखो, सिंगल लाइट ऑफ सोर्स, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट है. अच्छा, एक फैक्टर और भी है, एक फैक्टर और ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट से कितना करीब है और शेडो जो है वो कितना करीब है, यही वजह है कि इसको ब्लर डिस्टेंस बोला है इसने, ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर ये जो ग्लास है, ये इसके पीछे फौरन एक दीवार है और मैं यहाँ से लाइट मारता हूँ, नहीं तो वो दीवार पे शार्प शेडो बनेगा रिगार्डलेस के मेरी लाइट डिफ्यूज़ है या नहीं है, ठीक है, रिगार्डलेस के मेरी लाइट डिफ्यूज़ है या नहीं है, इसका शेडो स्टिल थोड़ा शार्प बनेगा, ठीक है. अच्छा, अगर मैं उस दीवार को दूर करता जाऊँ, जैसे जैसे उस दीवार को मैं दूर करता जाऊँगा वो शेडो क्या होता जाएगा, वो बड़ा भी होता जाएगा और ब्लर भी होता जाएगा, ठीक है. अच्छा, इसमें बड़ा तो नहीं होगा, इसमें सिर्फ ब्लर होगा इस वाले में. तो इस वजह से इसने डिस्टेंस बोला है, क्योंकि शेडो अगर सामने सामने शेडो होता है, यानी जैसे मैं धूप में खड़ा हूँ और ज़मीन पे मेरा शेडो बिल्कुल शार्प बन रहा है, तो उसका रीज़न क्या है कि मैं ज़मीन से बहुत करीब हूँ, ठीक है, और शार्प लाइट मुझ पर पड़ रही है. अगर मैं यही शेडो मेरा मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ और फिर वो नीचे बन रहा होगा तो निस्बतन इतना शार्प नहीं बनता, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, फील तो नहीं होगा शायद नेकेड आइस से, लेकिन थोड़ा ब्लर हो जाता है. तो जैसे जैसे जो शेडो जिस चीज़ पे पड़ रहा है वो चीज़ दूर होती जाएगी, यानी शेडो फॉर्म यहाँ पर हुआ है लेकिन ये प्रोजेक्ट दीवार पे काफ़ी दूर जाके हो रहा है, 100 मीटर दूरी पे हो रहा है, तो वो शेडो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्लर होगा, ठीक है. अब शेडो के जो ब्लर का इफ़ेक्ट है वो कुछ इस तरह का होता है, जो फर्स्ट वाला बॉक्स है इसमें शेडो काफ़ी शार्प बना हुआ नज़र आ रहा है, दूसरे वाले में थोड़ा सा ब्लर है, तीसरे वाले में काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, ठीक है. तो ये अमाउंट ऑफ ब्लर जो है ना इसने बता दिया. ओके, अच्छा, अब इसमें ना दो चीज़ें, नंबर एक चीज़ ये ब्लर डिस्टेंस और दूसरा है स्प्रेड ऑफ शेडो, ये दो चीज़ें हैं. जैसे कि अब इसके पढ़ लेते हैं उसमें क्या लिखा है. इफ़ ओमिटेड द शेडो इज़ सॉलिड लाइक बॉर्डर, ठीक है, अगर इसको हम नहीं लगाते हैं तो पहले वाले बॉक्स में हमें दिख रहा है कि बिल्कुल शार्प शेडो दिख रहा है. तो स्प्रेड क्या चीज़ है. इफ़ यूज्ड अ पॉजिटिव वैल्यू विल कॉज द शेडो टू एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है,
ठीक है, एंड नेगेटिव वैल्यू विल मेक इट कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मिसाल के तौर पे मैंने बताया था कि अगर मैं दीवार को दूर करता जाऊँ तो शेडो अगर काफ़ी दूर जाके फॉर्म होगा तो ना सिर्फ वो ब्लर होता है बल्कि उसका साइज़ भी बड़ा होता है. तो यहाँ पे ब्लर डिस्टेंस क्योंकि हम फीट में तो दे नहीं रहे ताकि वो ऑटोमेटिकली परसीव कर ले, तो हम सिर्फ ब्लर अलग से बता रहे हैं कि ब्लर कितना करना है, और डिस्टेंस जो जो उसको स्प्रेड है कि शेडो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बने, वो वैल्यू हम अलग से बता रहे हैं. तो रियल जो नेचर में जिस तरह से शेडो बनता है उसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी हम यहाँ पर उसको काइंड ऑफ एक सिमुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल जो वर्ल्ड में जिस तरह से शेडो बन रहा होता है उसमें जो जो फैक्टर्स होते हैं और उसका जो जो इम्पैक्ट होता है वो सारे इम्पैक्ट्स यहाँ पे मैं बता सकता हूँ इसको. अच्छा जी, अब हमारे पास है राउंडेड कॉर्नर्स. बॉर्डर रेडियस जो है वो एक बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है, बहुत सारी जगहों पे हमें यूज़ करनी पड़ती है. आमतौर पर जो बटन आपको दिखते हैं गोल मटोल से बटन होते हैं वो इसी पर यही लगा हुआ होता है. अच्छा, बहुत सिंपल है, मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस और उसको पिक्सल में कोई ना कोई मैं वैल्यू दे देता हूँ. मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पैराग्राफ बना हुआ है जिस पे बॉर्डर लगा हुआ है, काफ़ी मोटा सा बॉर्डर लगा हुआ है. कितने पिक्सल का? 5 पिक्सल का बॉर्डर इसने लगाया है. अच्छा, उसके बाद इसको पैडिंग दी है कुछ ना कुछ. पैडिंग देने से आप देखें दीवारों से थोड़ा थोड़ा दूर हो गया है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर. अच्छा, फिर उसके बाद एक विड्थ इसको डिफाइन की है 275 पिक्सल. उससे क्या हुआ है कि स्क्रीन की तमाम अवेलेबल विड्थ लेने के बजाय इसने 275 पिक्सल जितनी विड्थ ली है. अच्छा, उसके अलावा टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है इसके अंदर जिसका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है. वो इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि टेक्स्ट जो है यानी बॉक्स जो है वो अपने कॉन्टेंट के ऊपर टाइट है. ठीक है, बॉक्स के अंदर एक्स्ट्रा जगह नहीं है कि वो राइट या लेफ्ट हो सके. तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर इसने किया हुआ है बहरहाल कि अगर कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो टेक्स्ट सेंटर में रहे. अच्छा, बॉर्डर रेडियस उसके बाद इसने बताया 10 पिक्सल. 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस का क्या मतलब है, कुछ आइडिया हो रहा है? आ जाओ अगले पेज पे, ये रहा. हाँ, ये है गुलाई. अबे यार, जूम वाला मसला बड़ा ख़राब है यार. मेरी आदत है जूम करने की और ये प्रोजेक्टर मसला करता है. पता नहीं कब लाएंगे ये वायरलेस वाला, इनको बोला हुआ है. अच्छा वेल, तो बॉर्डर रेडियस अगर मैं देता हूँ ना 20 पिक्सल देता हूँ मैं, तो 20 पिक्सल का मतलब क्या है? यहाँ पे इसने 80 पिक्सल और 50 पिक्सल बताया हुआ बॉर्डर रेडियस, मतलब दो अलग अलग बताए हुए, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों साइड पे सेम है इस वक्त. तो मैंने 20 पिक्सल अगर बॉर्डर रेडियस दिया है तो क्या होगा कि बॉर्डर जो मेरा जो कॉर्नर है उस कॉर्नर से ये पहले नापेगा 20 पिक्सल, और जहाँ तक वो 20 पिक्सल बन रहा है ना वहाँ से उसको बेंट करना शुरू करेगा. अच्छा, फिर इधर भी क्योंकि 20 है तो यहाँ भी ऐसे ही 20 नापेगा, और जहाँ तक 20 है ना वहाँ से बेंट करना शुरू करेगा. ठीक है, तो इसका बॉर्डर रेडियस नाम इसी वजह से है कि अगर ये जो इस यहाँ से जब बेंट करेगा ना तो रेडियस फिर इसका 20 ही आएगा. ठीक है, रेडियस पता है ना, बताओ क्या होता है? अबे जा भाई उर्दू में बता भाई. अबे भाई उर्दू में बताओ ना, डेफिनेशन तो रटी हुई है. हाँ, सही कह रही है. हाँ भाई, नहीं रेडियस तो अंग्रेजी का वर्ड है ना, अंग्रेजी का तो खैर नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी है, जियोमेट्री की टर्मिनोलॉजी एक है ना, ज्योमेट्री की टर्मिनोलॉजी. रेडियस का और अंग्रेजी में तो कोई मतलब नहीं होता, ये होता है. ठीक है, तो रेडियस क्या होता है? कोई भी जो मिसाल के तौर पे अगर मैं जो प्रकार हो या कंपास जो भी होता है, क्या कंपास होता है ना, हाँ ठीक है, कंपास भी बाय द वे उसको इसलिए बोलते हैं कि वो कंपास मैप देखने के लिए यूज़ होता हुआ करता था. कभी सोचते हो ना तुम कि दोनों साइड नोक क्यों है, तो वो उसकी स्टोरी है. तो अभी भी यूज़ होता है शिप्स में. ठीक है, इमरजेंसी के तौर पे पूरी किट रखी हुई होती है जिसमें ये सारे टूल्स होते हैं. हाँ, तो आप मैंने कहीं पे उसका वो एक नोक रखी है
और दूसरी नोक मैंने रखी है, तो ये दो डिस्टेंस जो है ये क्या है, रेडियस है। अब इन दो डिस्टेंस पे जब मैं घुमाऊंगा तो जो सर्कल बनेगा ना उसका रेडियस क्या होगा, जो मैंने सेट किया था वो होगा। अच्छा हाँ, तो इसी तरह अगर मैंने 10 पिक्सल का रेडियस रखा है तो वो एक्चुअल टोटल डायमीटर जो होगा उसका वो 20 होगा, क्योंकि 10 इधर से तो वो घूम के 10 इधर भी हो जाएगा। तो आप इमेजिन करें कि एक स्क्वायर बॉक्स है, वो 100 पिक्सल का बॉक्स है। अच्छा, उसमें 20 पिक्सल का मैंने बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया है, तो अगर मैं 20 पिक्सल का एक सर्कल बनाऊंगा ना, 20 पिक्सल रेडियस वाला एक सर्कल बनाऊंगा और उसके कॉर्नर पे रखूंगा, तो कुछ इस तरह का इम्पैक्ट आ जाएगा। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो ये कि मैं 20 पिक्सल का रेडियस एक बनाऊँ। अस्सलाम वालेकुम मिस, क्या हाल है आपके? ठीक है, तो अगर एक 100 पिक्सल का स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या कुछ भी है, 20 पिक्सल का मैं 20 पिक्सल रेडियस का सर्कल बना के उसके कोने पे फिट करूँगा अगर, तो कुछ इस तरह की चीज़ बन जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इसने 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दिया है, तो ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट शार्प कॉर्नर है, ऑलमोस्ट ये कॉर्नर जैसा दिख रहा है। लेकिन इमेजिन करें इसको मैं 10 पिक्सल से चेंज करके 50 पिक्सल कर दूँ, तो ये बहुत ज़्यादा राउंड दिखने लग जाएगा। ठीक है, 20 पिक्सल शायद यहाँ तक आ जाए, 30 पिक्सल यहाँ तक आ जाए काइंड ऑफ, या 50 पिक्सल कर दूँ मैं तो 50 पिक्सल यहाँ से आ जाएगा। तो ये यहाँ से शुरू करेगा मोड़ना इसको, अगर मेरा कर्सर दिख पा रहा है तो, अगर मैं जूम इन करूँ थोड़ा, जूम इन करने से कर्सर दिखने लग जाते हैं। तो ये इस वक्त 10 पिक्सल से इसने शुरू किया है और इधर भी 10 पिक्सल से शुरू किया इसने, लेकिन अगर मैं 10 की जगह इसको 50 पिक्सल दे दूं तो ये काइंड ऑफ यहाँ से शुरू करेगा। अच्छा, और इधर भी फिर ये यहाँ तक लेके जाएगा, तो ये यहाँ से यूं इसको राउंड करके लेकर आएगा। तो हाँ, अगर मैं इसको 30 पिक्सल दे दूँ तो ये सेफ गार्ड जैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, सेफ गार्ड का जो कॉर्नर होता है, जो साबुन का, वो जितना राउंड होता है उस तरह का दिखने लग जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, मिसाल के तौर पर ये 100 पिक्सल, इमेजिन कर लेते हैं हम कि ये 200 पिक्सल का बॉक्स है, इमेजिन कर लेते हैं, अभी तो एग्जैक्टली नहीं पता, 200 पिक्सल का बॉक्स है, तो ये 100 पिक्सल यहाँ तक आ गया। अगर इसको मैं 100 पिक्सल का रेडियस दे दूँ बीच में, बिल्कुल दरमियान में, अगर मैं इस जगह पे इसको दे दूँ 100 पिक्सल का रेडियस यहाँ तक, तो क्या होगा, ये पूरा गोल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू करेगा और ये जहाँ लेकर जाएगा ना जहाँ पे, तो वहाँ से दूसरा शुरू हो जाएगा, तो एजेस बचेंगे ही नहीं, वो पूरा ही गोल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ 50% बॉर्डर रेडियस, तो ये बिल्कुल सर्कल हो जाएगा। सही है, 50% जो भी बनेगा वही होगा। अच्छा, इसी तरीके से जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आमतौर पे परसेंटेज में ना बॉर्डर रेडियस देने में थोड़ा सा मसला है। वो मसला ये है कि फिर विड्थ और हाइट एक जैसी होनी चाहिए, जो हमने फ़ोटो के ज़माने में भी देखा था, HTML पढ़ते हुए शायद आप लोगों ने फ़ोटो लगाई थी, वो सर्कल किया था उसको आपने, तो उसमें आपने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जब विड्थ और हाइट सेम नहीं होती अगर, तो फिर वो ओवल सा बन जाता है कुछ। ठीक है, तो परसेंटेज देने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, विड्थ और हाइट बॉक्स की सेम होनी चाहिए, तो तभी फिर वो इक्वल काम करता है। अच्छा, अगर वो इक्वल नहीं होगा विड्थ और हाइट, तो परसेंटेज देने से थोड़ा सा वो बिगड़ जाता है। वो क्यों बिगड़ जाता है, वो अगले पेज पर उसका ये जवाब लिखा हुआ है। अच्छा, अगले पेज पर असल में ये बता रहे हैं कि यार आप ना, एक तो आपने बोला कि भाई बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है, तो वो उसने जो मिसाल के तौर पे जो ये कॉर्नर जो इन्होंने दिखाया हुआ एग्जांपल में, इसमें टॉप से और राइट से दोनों जगह से उसने 10-10 पिक्सल ले लिया, तो बिल्कुल सीधा बन गया। लेकिन आप ना इसको चारों साइड का अलग अलग भी दे सकते हैं। अच्छा, बॉर्डर रेडियस के केस में साइड्स चार नहीं है, साइड्स हैं इसमें 8। क्योंकि देखो, जो ये वाला कॉर्नर है, यानी ये एक बॉक्स का टॉप राइट कॉर्नर है ना, तो
तो टॉप राइट कॉर्नर की दो वैल्यूज हैं, एक टॉप और एक राइट, सही है। अच्छा, इसी तरह जो जो दूसरा कॉर्नर होगा उसकी भी दो वैल्यू होगी, फिर तीसरा कॉर्नर होगा उसकी भी दो होगी, चौथे की भी दो होगी। तो चार कॉर्नर हैं, दो दो वैल्यूज़ हैं, तो टोटल आठ वैल्यूज़ हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये देखो गिन के देखो इसको, ये आठ वैल्यूज़ इसने दी हुई है पूरी, सही है। तो ये कह रहा है कि भाई आप ना इस तरह की शेप्स भी बना सकते हैं, पूरा सर्कल भी बना सकते हैं, ऐसा वाला शेप भी बना सकते हैं। अब ज़रा इस पर मुझे गौर करके बताओ, इस वाले पे इसने क्या किया हुआ है, ये जो दिख रहा है ऐसा, हाँ एक साइड पे इसने क्या किया है, थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है बॉर्डर रेडियस, और एक साइड पे थोड़ा कम रखा हुआ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बॉर्डर यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक का मतलब है कितना, इमेजिन कर लेता हूँ इसको मैं कि 10 पिक्सल, यहाँ तक का मतलब है कि ये जो लेफ्ट दीवार है इससे 10 पिक्सल की दूरी है, हम इमेजिन कर लेते हैं। अच्छा, ऑन अदर एंड यहाँ पे इस जगह पर है, ये जो मेरा आई बीम दिख रहा है इसका टॉप वाला साइड आप देखें, तो ये यहाँ से शुरू किया हुआ है इसने बॉर्डर। तो ये यहाँ को अगर मैं चेक करूँ तो ये असल में उसका डबल से भी कुछ थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो एक साइड पर इसने बॉर्डर रेडियस ज़्यादा दिया हुआ है और एक साइड पर इसने कम दिया हुआ है, तो उससे ये इफेक्ट क्रिएट हुआ है। फिर दूसरी साइड पर भी यही किया हुआ है, तीसरे पर भी यही किया हुआ है, चौथे पर भी यही किया हुआ है। अच्छा, इस केस में अगर आप देखें क्या किया हुआ है इसने, एक साइड पे इसने यहाँ से शुरू किया है बॉर्डर, सही है, काइंड ऑफ 50% जितना, ठीक है। हम इमेजिन कर लेते हैं, अगर ये बॉक्स 100 पिक्सल का है, इमेजिन कर लेते हैं, तो ये 50 पिक्सल दिया है इस साइड पर इसने, ठीक है। अच्छा, दूसरी साइड पे थोड़ा कम दिया है, 50% से कम दिया है, ये देखो 25% काइंड ऑफ दिया इसने, तो उससे ये इम्पैक्ट एक बन के आ गया। अच्छा, बाकी तीन कॉर्नर्स पे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं देने का मतलब है 0 पिक्सल, ठीक है, 0 पिक्सल रखेंगे तो वो कुछ भी रेडियस नहीं लेगा, ठीक है। तो ये चार इसने एग्जांपल बना के बताइए। तो अगर बिल्कुल कस्टमाइज कुछ चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके चार साइडें अलग अलग आपको देनी पड़ेंगी, ठीक हो गया, सही है। एक साइड जो ये फर्स्ट वाली, एक साइड ये सेकंड वाली है, अब इसको लगा के देख लेना, ये मैंने कभी लगा के ट्राई नहीं किया इस तरह। अच्छा, मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा था कि अगर परसेंटेज में लगाओगे तो वो गड़बड़ क्यों करेगा, सही है, परसेंटेज में लगाने से वो गड़बड़ इस वजह से करेगा, देखो जब मैं बोलता हूँ उसको कि बॉर्डर रेडियस 50%, सही है, तो इट इज़ सपोज कि वो यहाँ से शुरू करेगा बॉर्डर के रेडियस को, अच्छा, और यहाँ से शुरू करके चारों कोने पे यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ पे भी इसी जगह से करेगा, फिर नीचे वाले बॉर्डर को भी इसी जगह से करके यहाँ तक लाएगा, फिर यहाँ तक लाएगा, तो 50% इज़ 50 पिक्सल। अगर ये बॉक्स 100 पिक्सल का है, हम इमेजिन कर लेते हैं, तो 50% क्या हुआ उसका, 50 पिक्सल हुआ, तो वो 50 पिक्सल चारों साइड होगा, इक्वल होगा बॉर्डर। लेकिन इमेजिन करो अगर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होने की सूरत में ये होगा कि एक तरफ से 100 पिक्सल है बट दूसरी तरफ से 200 पिक्सल है, इसकी जो विड्थ है वो इमेजिन कर लो कि 200 पिक्सल है। अच्छा, अब देखो चक्कर क्या है, इस कॉर्नर का जो बॉर्डर बनेगा वो क्या होगा, ये जो टॉप वाली साइड होगी ना वो अपना 50% लेगी टॉप वाली साइड से, टॉप से ये है 200 पिक्सल। मिसाल के तौर पर मैंने 10% बॉर्डर रेडियस दिया, ठीक है, 10% तो दे सकता हूँ ना, अगर स्क्वायर है 10% दूंगा, हल्का सा बॉर्डर रेडियस आएगा, हल्का सा वो कर्व हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करें मैंने स्क्वायर पे नहीं बल्कि एक रेक्टेंगल पे मैंने 10% दिया, तो टॉप पे जो 200 पिक्सल है इसका 10% कितना बनता है, 20 पिक्सल बनता है, सही है, 10% मैंने दिया है बॉर्डर रेडियस में, ठीक है, क्योंकि मैं पॉइंट ये था कि परसेंट में थोड़ा सा मोहतात रहना है आपने। तो 200 विर्थ वाला जो बॉक्स होगा उसका यहाँ पे से जो बॉर्डर रेडियस तैयार होगा वो 20 पिक्सल पे आएगा, काइंड ऑफ इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर आपको भी दिख रहा है। अच्छा, यहाँ वाला जो बॉर्डर तैयार होगा वो इसकी हाइट के हिसाब से होगा, तो ये 100 पिक्सल है, इसका 10% कितना बना, 10 पिक्सल, तो यहाँ से थोड़ा कम और यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बनेगा ये बॉर्डर, ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, सही है। तो कभी भी बॉर्डर रेडियस को परसेंटेज में देते हुए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सम टाइम वो बंदे कहते हैं यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा होना ही है, उसमें उसके अलावा कोई हल नहीं है, या तो वो बॉर्डर स्क्वायर हो
या तो फिर अगर आप परसेंटेज में दे रहे हैं तो चारों साइड का फिर अलग अलग देना पड़ेगा आपको, जब भी उसको परसेंटेज समझ आएगा कि अच्छा यार ये रेक्टेंगल है ये स्क्वायर नहीं है। तो प्रोफाइल के केस में आमतौर पर डायनेमिक होता है वो, तो हम मेक श्योर करते हैं कि प्रोफाइल इमेज शुरू में ही स्क्वायर हो ताकि उस पर जब हम बॉर्डर रेडियस दें तो उसको कोई मसला ना हो। अच्छा ये चैप्टर यहाँ पे जो है ना बॉक्सेस वाला कंप्लीट हो गया, और हम ना एक ये जो अपना बॉर्डर रेडियस है ना इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं कि वो रेक्टेंगल पे कैसा बिहेव करता है। मिसाल के तौर पे ये पैराग्राफ नंबर 1 जो है इसको मैं आगे क्या कहता हूँ, अच्छा इसको मैं लाइव तो करूँ ज़रा देखूँ तो क्या बनाया था हमने लास्ट ईयर। अच्छा ये मेरे पास नीचे 3 बॉक्सेस मौजूद हैं, ठीक है मेरे पास ये 3 बॉक्सेस मौजूद हैं, मैं इन्हीं में से किसी बॉक्स के ऊपर बॉर्डर रेडियस लगाता हूँ मैं 10%, ठीक है। तो 10% लगाने से ना इसमें बिल्कुल सही परफेक्ट लगा है क्योंकि ये विड्थ हाइट इसकी बराबर थी तो ये बिल्कुल सही हो गया। अगर मैं इसको 10% से बढ़ा के 50% करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और मैं वापस आता हूँ और इस 60% पे फिर वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा नहीं इससे ज़्यादा ये बड़ा होगा नहीं, 90% नहीं इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये 50 ही मैक्सिमम है। अच्छा अब इस पैराग्राफ पे आके अगर मैं सेम चीज़ लगाऊंगा बॉर्डर रेडियस और मैं दूंगा इसको 20%, ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया ऊपर वाले को, सही है, क्योंकि 20% इसने हाइट जो थी जितनी बॉक्स की उसके हिसाब से 20% कैलकुलेट कर लिया और विड्थ जितनी थी उसके हिसाब से कर लिया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारे पास जो है ना हाइट वाला जो बॉर्डर है वो यहाँ से शुरू हुआ है इस जगह से एग्जैक्टली, लेकिन जो विड्थ वाला था ना वो यहाँ से शुरू हुआ है काइंड ऑफ इस जगह से कहीं से शुरू हुआ है, सही से समझ नहीं आ रहा नेकेड आइज से, लेकिन यहाँ से कहीं से शुरू हुआ है क्योंकि 20% इसका इतना बनता है। तो कभी भी अगर कोई चीज़ रेक्टेंगल होगी तो उसमें आपको क्या करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर मैं स्लैश लगा के इसको दे दूं कि भाई 10%, तो अब ये दोनों साइड का अलग अलग, लेकिन अभी इसको और प्रॉब्लम हो गई है, एक साइड से मुझे 30-30% कुछ देना पड़ेगा और एक साइड से बिल्कुल मुझे 5% देना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंट में 5% भी देखो इसको ज़्यादा लग रहा है, इसको 5 की जगह क्या मैं 2% दे दूँ, सही है। तो मतलब परसेंटेज में बॉर्डर देना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, देखो 5% ये यहाँ तक चला गया, अब इसको मैच करने के लिए मुझे हाइट पे कितना देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काइंड ऑफ 30% दिया हुआ था ना मैंने, इसको 40% दे देता हूँ, ठीक है, 40 पे भी यहाँ तक आया है, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ 50% कर दूँ, अगर मैं अभी भी सही नहीं है, एक मिनट और, सही है। अच्छा इस तरफ से ये क्योंकि मेरे पास स्क्रॉल बार भी आया हुआ था थोड़ा छुपा हुआ है, इस तरफ से ये पूरा का पूरा गोल हो चुका है, तो बेहतर ये है कि अगर कोई रेक्टेंगल है ना तो उसको चुपचाप से बिल्कुल पिक्सल में दो, अच्छा या ईएम में भी दे सकते हैं, सही है, पिक्सल के अलावा ईएम में भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि 2 ईएम, 2 ईएम का मतलब क्या होता है, 32 पिक्सल होता है, सही है। तो 32 पिक्सल जो है वो उसने भी काफ़ी गोल कर दिया, इसको मैं 1 ईएम दे सकता हूँ, 16 पिक्सल अगर मैंने देना है तो वो क्या होगा, टेक्स्ट का जो भी साइज़ है उससे रिलेटेड हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस में आई डोंट थिंक के टेक्स्ट का साइज़ मैटर करे, क्योंकि मतलब अंदर का मैं फॉन्ट बढ़ाऊँ और एक पॉइंट पे आ गया वो पूरा बॉक्स गोल हो जाए तो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो बट ईएम में मैं दे सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है, बॉक्स का साइज़ पिक्सल में है तो मैं इसको बेहतर ये कि पिक्सल में ही दूँ, ठीक है, ईएम में उस सूरत में शायद मैं देना चाहूँगा कि जब मैंने बॉक्स का साइज़ भी ईएम में बताया हुआ है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि 100 ईएम, तो 100 ईएम जब मैंने बताया तो क्योंकि जब अंदर का टेक्स्ट का साइज़ चेंज होगा तो बॉक्स का भी साइज़ चेंज होगा, तो
तो रेडियस भी साथ साथ उसके चेंज होना चाहिए। तो मे भी उस वक्त में शायद ई एम में देना चाहूँ, लेकिन अगर बॉक्स का साइज़ फिक्स है या बॉक्स को कोई साइज़ नहीं दिया हुआ इन द फर्स्ट प्लेस, तो फिर ई एम में देना मुनासिब नहीं होगा। हाँ बस ख़त्म करते हैं, ठीक है 20 पिक्सल देखिए हम। यार ये क्या हो रहा है, एक तरफ आ रहा है सिर्फ, नहीं एक तरफ शो हो रहा है दूसरी तरफ बिल्कुल ही शो नहीं हो रहा है। हाँ नहीं वो ओवरफ्लो पे स्क्रॉल लगा हुआ है ना, तो स्क्रॉल बार ने काफ़ी जगह ली हुई है। ठीक है बॉक्स मॉडल में हमने ये देखा था कि बॉर्डर दरमियान में होता है, पैडिंग अंदर होती है, मार्जिन बाहर होता है, लेकिन बॉर्डर ये जो हमारा स्क्रॉल बार है ये बॉक्स के ओवर ले पे आ रहा है गालबन, इस वजह से मुझे इस तरफ से दिख रहा है, इस तरफ से वो दिख रही नहीं है। वेल तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हमने जो है ना वो चैप्टर नंबर 14 नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इससे पहले फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है याद दिलाना मुझे। तो फ्लैक्स बॉक्स हम पढ़ेंगे, बुक में जिक्र नहीं है फ्लैक्स बॉक्स का, लेकिन लेआउट बनाने के लिए बेस्ट चीज़ है फ्लैक्स बॉक्स।